हेलो दोस्तों, आज मैं काफ़ी टाइम बाद पैरेलल लव का एपिसोड 14 एक्सप्लेन करूंगी। बाकी पिछले पैरेलल लव के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में जब मीटिंग एंड हुई थी, तभी ज़ियाओयांग ज़ियाओयान के साथ था और श्याओशिन उसके पास आकर कहता है कि लीदाओ ने आपकी एब्सेंस का फ़ायदा लिया। अब स्टार्ट होता है एपिसोड 14। श्याओशिन कहता है उसने आपके ऑफिस का सारा सामान उठा लिया। ज़ियाओयांग को बहुत गुस्सा आता है। लिन मियाओ ज़ियाओयांग को समझाती है और कहती है अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस प्रपोजल को लेना। प्रेसिडेंट ऑफिस के सभी कलीग्स को क्वेश्चन पेपर मिला है और उन्हें उसमें अपने आइडिया देना है कि उनका आइडियल होम कैसा होना चाहिए, पर लिन मियाओ की तो सारी बैड मेमोरीज ही हैं। देन लिन मियाओ सुचेंग से मिलती है। अब लिन मियाओ सुचेंग के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करती क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो सब उसने ही शुरू किया था, पर फिर भी सुचेंग बिल्कुल इनोसेंट होने का दिखावा करता है। लिन मियाओ वहां से चली जाती है। ज़ियाओयांग लिन मियाओ से मिलती है और कहती है उसने अभी कॉफी शॉप में सब देख लिया। फिर कहती है तुम सुचेंग और ज़ियाओयांग के बीच में फंस गए हो, और कहती है ज़ियाओयांग मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। फिर पूछती है क्या तुम ज़ियाओयांग को लाइक करती हो। लिन मियाओ कहती है ज़ियाओयांग कोई डॉल नहीं है जिसके लिए दो लड़कियां लड़ाई करें, और अगर तुम सच में ज़ियाओयांग को चाहती हो तो मेरे साथ फेयर कॉम्पिटिशन करो। ज़ियाओयांग समझती भी है कि लिन मियाओ ज़ियाओयांग को लाइक करती है। लिन मियाओ ये बात मान लेती है। जब ज़ियाओयांग वहां से निकल रहा था तो वो उनकी बातें सुन लेता है और लिन मियाओ के मुंह से हाँ सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। घर जाते वक्त ज़ियाओयांग लिन मियाओ का हाथ पकड़ता है और सारे रास्ते वो दोनों वॉक करके जाते हैं। लिन मियाओ ज़ियाओयांग को बताती है कि उसने उसे रेयर प्लांट ढूंढने जाने से मना क्यों किया था। वो कहती है मेरे डैड की डेथ जब हुई थी जब वो उसे ढूंढने गए थे। जब मेरे फादर बाहर वर्क पर रहते थे तो घर पर मैं अपनी मॉम के साथ रहती थी, और घर ऐसी जगह होती है जहां हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ मेमोरीज बनाते हैं। ज़ियाओयांग को लिन मियाओ के लिए बुरा फील होता है और कहता है मैं तुम्हें जरूर फैमिली दूंगा, और उसे हक कर लेता है। लिन मियाओ सोचती है कि मेरी लाइफ में मिरेकल ये नहीं है कि मैं पास्ट में आई, मिरेकल ये हुआ कि मैं ज़ियाओयांग से मिली। नेक्स्ट डे ज़ियाओयांग और लिन मियाओ हेंगवान कंपनी में साथ जाते हैं बायरिंग के लिए, और ज़ियाओयांग श्याओशिन से लिन मियाओ के लिए ड्रेस भी लाने को कहता है जो कि वो वेडिंग में पहन कर जाती है। वहां वो दोनों सुचेंग से मिलते हैं। जब बायरिंग स्टार्ट होती है तो ज़ियाओयांग को पता चलता है कि उसका और सुचेंग का बायरिंग प्रपोजल सेम है, अर्बन इकोलॉजिकल होटल, पर फिर भी विनर ज़ियाओयांग होता है क्योंकि वो उसमें लिन मियाओ का दिया हुआ एक आइडियल होम की बात जोड़ देता है। ये सुनकर लिन मियाओ बहुत खुश होती है। ब्रेक के टाइम सुचेंग लिन मियाओ से डिनर पर चलने की पूछता है और ज़ियाओयांग मना कर देता है। अब सुचेंग और ज़ियाओयांग बिल्डिंग प्रोजेक्ट के सेकंड राउंड में पहुंच गए। सुचेंग मैनेजर लू को खाने पर बुलाता है। जब वेडिंग एंड होती है तो लिन मियाओ को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो बताते हैं कि वेई जुन मिसिंग है। वो दोनों उसे ढूंढने जाते हैं। वेई जुन सुसाइड करने की सोच रही है, वो रिवर में जंप करने ही वाली थी तभी वहां ज़ियाओयांग टाइम पर पहुंचता है और वो वेई जुन को बचा लेता है। वेई जुन बेहोश हो जाती है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लिन मियाओ ने 10 साल पहले ऐसा ही किया था और वो थोड़ी वरिड है और सोचती है 10 साल पहले मुझे किसने बचाया था। ज़ियाओयांग लिन मियाओ के लिए फूड लेने जाता है। लिन मियाओ ज़ियाओयांग को जाते हुए देखती है और उसे याद आता है कि 10 साल पहले उसे बचाने वाला ज़ियाओयांग ही था। जब ज़ियाओयांग वापस आता है तो लिन मियाओ बहुत हैप्पीली ज़ियाओयांग को हक कर लेती है और बताती है कि 10 साल पहले मुझे बचाने वाला पर्सन तुम थे। ज़ियाओयांग सरप्राइज नहीं होता और कहता है ये मैटर बिल्कुल मेरी स्टाइल का है। वेई जुन को होश आता है, वो ज़ियाओयांग से कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहती हूँ, और वहां से जाने लगती है। ज़ियाओयांग उसे रोकता है। लिन मियाओ ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और वेई जुन के मुंह पर पानी फेंकती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है। कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम इतनी सेल्फ डेप्रिकेटिंग थी पास्ट में, और लिन मियाओ रोने लगती है। ज़ियाओयांग उसे हक करता है। वेई जुन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे स्टूपिड थिंग्स करने से रोकने के लिए ज़ियाओयांग डिसाइड करता है कि वो उसे अपने घर ले जाएगा, पर वेई जुन साफ मना कर देती है और कहती है सुचेंग मेरा ध्यान रखेगा, और उसे कॉल करती है। सुचेंग कॉल रिसीव नहीं करता तो वेई जुन ज़ियाओयांग के साथ उसके घर जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर एक कंडीशन पर कि लिन मियाओ उसके साथ नहीं रहेगी। ज़ियाओयांग मान जाता है और उसे अपने घर ले जाता है और लिन मियाओ को ऊपर अपने दूसरे घर में जो कि उसके ऊपर ही है।
ज्याओ यांग वहीं लिन म्याओ के साथ रुकना चाहता है, पर लिन म्याओ उससे कहती है कि तुम्हें वेजुन का ख्याल रखना होगा, इसलिए तुम उसके साथ ही रहो। वो मजबूरी में वेजुन के पास रुकने जाता है। नेक्स्ट डे ज्याओ यांग और लिन म्याओ वर्क पर साथ में जाते हैं। लिन म्याओ ज्याओ यांग को वेजुन के बारे में बताती है कि रात में उसने आइसक्रीम खाई होगी और इस वजह से पूरी रात टॉयलेट जा रही होगी और सो भी नहीं पाई होगी। ज्याओ यांग पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता। लिन म्याओ कहती है आखिरकार वो मैं ही तो हूँ। मीटिंग में ज्याओ यांग को पता चलता है कि उसका बजट 3 मिलियन ज्यादा है दूसरी कंपनी से, तो 3 मिलियन युआन बचाने के लिए ज्याओ यांग लिन म्याओ को लेकर मटेरियल डीलर के पास जाता है और उनसे डिस्काउंट की बात करता है, पर वो मना कर देते हैं। फिर लिन म्याओ और ज्याओ यांग बात करते हैं। लिन म्याओ उसे बताती है कि 10 साल बाद लोग होटल्स में नहीं रुकेंगे, जब वो बिजनेस पर कहीं जाएंगे तो वो लोग लॉन्ग टर्म रेंट पर मिलने वाले अपार्टमेंट्स लेंगे। लिन म्याओ की इस बात से ज्याओ यांग को आइडिया मिल जाता है। ज्याओ यांग अपने डैड के पास आता है न्यू प्रोजेक्ट के साथ। उन्हें ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है और पूछते हैं तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया। ज्याओ यांग कहता है लिन म्याओ ने दिया। ज्याओ यांग के डैड अपने असिस्टेंट श्यायू से कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पर डायरेक्टर्स के साइन लेकर आओ, और श्यायू उन्हें ये बताता है कि यूरोंग विला की वीडियो ली डोंग ने ही लीक की थी। इधर सू चेंग भी कोशिश कर रहा है कि उसका प्राइस भी बहुत कम हो और उसे लग रहा है कि ये बैटल वो ही जीतेगा। रात हो चुकी है। ज्याओ यांग अपने घर पर है वेजुन के साथ और लिन म्याओ उसके अपर फ्लोर वाले घर में है। ज्याओ यांग लिन म्याओ के बारे में ही सोच रहा है, कह रहा है मैं तुम्हें कॉल नहीं कर रहा तो तुम भी मुझे कॉल नहीं कर रही। तभी वेजुन उसके पास आती है और उससे कहती है तुम उसके पास क्यों नहीं जा रहे। ज्याओ यांग कहता है उसने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। वेजुन कहती है मैं एडल्ट हूँ और अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ, और मैं बता सकती हूँ कि तुम फिजिकली यहाँ हो पर मेंटली लिन म्याओ के पास हो। ज्याओ यांग उसकी बकबक से परेशान हो जाता है और कहता है क्या तुम सी के पास रहती हो, क्योंकि इंटरफेयर कर रही हो उन चीजों के साथ जो सी जितना बड़ा है। वो कहती है मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि सू चेंग जुन ने लिन म्याओ की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ज्याओ यांग कहता है वो है ही बहुत अच्छी, वो एक ग्रेट वुमेन है, कोई भी उसे लाइक कर सकता है, पर मैं ये चाइल्डिश प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना चाहता। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं उसका दिल कैसे जीतूं। और वेजुन तुम कहती हो कि लिन म्याओ बैड वुमेन है क्योंकि उसने तुम्हारा बॉयफ्रेंड को तुमसे दूर किया, पर तुम्हें कभी भी लगा कि वो तुम्हें सच में लाइक करता है। सू चेंग कुछ भी कर ले लिन म्याओ उसे कभी भी लाइक नहीं करेगी। लिन म्याओ सिर्फ मेरे बारे में ही सोचती है और उसकी आंखों और दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। वेजुन ज्याओ यांग से कहती है कि इवन ब्लाइंड पर्सन को भी दिख जाएगा कि तुम वन साइडेड लव में हो, इसलिए चलो शर्त लगाते हैं कि अगर तुमने उसे पहले कॉल नहीं किया तो क्या वो आधी रात तक 12 बजे से पहले तुम्हें कॉल करती है या नहीं, पर मुझे लगता है कि उसे शायद याद नहीं होगा कि तुम एक्सेस भी करते हो। ज्याओ यांग कहता है अगर मैंने पहले कॉल किया तो मैं डॉग। वेजुन कहती है ठीक है मैं तुम्हारे डॉग की तरह वॉक करने का वेट करूंगी। बहुत देर हो जाती है, वेजुन शॉवर लेकर आती है और ज्याओ यांग से पूछती है कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुमने चीटिंग तो नहीं की। ज्याओ यांग कहता है कि क्या मैं तुम्हें उस टाइम का पर्सन लगता हूँ, पर एक्चुअली मैं हमें बताया जाता है कि ज्याओ यांग लिन म्याओ के पास गया था और उसे शूज देता है। लिन म्याओ कहती है कल मीटिंग में तो फॉर्मल ड्रेस में जाना है इसलिए मुझे हील्स पहननी पड़ेंगी, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। ज्याओ यांग कहता है प्रिकॉशंस लेना जरूरी है और मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया, इसलिए अब तुम मुझे मिस करो तो कॉल करना। लिन म्याओ को ज्याओ यांग का बिहेवियर बड़ा अजीब लगता है, पर 5 मिनट बाद ज्याओ यांग फिर आ जाता है उसे फेस मास्क देने और वही कहकर चला जाता है अगर मिस करो तो कॉल करना, और 5 मिनट बाद फिर आता है नूडल्स देने, पर इस बार लिन म्याओ को गुस्सा आता है और उसे आने से मना कर देती है। अब वापस आते हैं क्योंकि ये बात वेजुन को नहीं पता। वेजुन कहती है मुझे नहीं लगता कि कॉल आएगा। ज्याओ यांग कहता है 12 बजने में अभी 5 मिनट है इसलिए आ सकता है। तभी ज्याओ यांग का फोन बजता है, ज्याओ यांग कॉल रिसीव करता है पर गलती ये करता है कि वो स्पीकर पर रखता है। वो फोन लिन म्याओ का नहीं था, वो किसी और का था, और वो कहती है मिस्टर ज्याओ आप हाउस नंबर 3021 लिन म्याओ को बार बार परेशान कर रहे हो, पर मुझे जहाँ तक पता है वो घर तो आपका है ना, और वो फोन कट कर देती है। वेजुन बहुत हंसती है और उसे अपनी शर्त पूरी करने को कहती है, वो उस पर वार करता है। लिन म्याओ ज्याओ यांग के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी। नेक्स्ट डे ली डोंग सू चेंग को एक फाइल देता है, पर अभी उस फाइल की इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, और यही एपिसोड 14 एंड होता है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।